हम बचपन से तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के अनेक दोहे पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने वो दोहा कभी नहीं पढ़ा जो कबीरदास जी ने तुलसीदास जी के लिए लिखा और तुलसीदास जी ने कबीरदास जी के लिए लिखा। और कितना अच्छा लिखा है तुलसीदास जी। जब कबीरदास जी का ख्याति सुनते हैं, चारों ओर फैल रही होती है कि कबीरदास जी के पास जो जाता है तो खाली हाथ नहीं आता, ये सुनकर तुलसीदास जी कबीरदास जी को पत्र लिखते हैं। वो लिखते हैं, ऐसी देनी देत जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन, त्यों त्यों नीचे नैन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आपके देने का तरीका है वो बहुत ही निराला है। आप जितना देते जाते हो, जितनी ऊंचाइयों पे आप पहुंचते जाते हो दान में, आप अपनी आंखों को उतना ही नीचे करते जाते हो, ये क्या है? तो कबीरदास जी तुलसीदास जी को पत्र द्वारा लिखते हैं, देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तास नीचे नैन, तास नीचे नैन। कबीरदास जी कहते हैं कि देने वाला तो कोई और है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, और सिर्फ इसी कारण है मैं अपनी आँखों को नीचे करे रहता हूँ। हम आपको यही सोचना चाहिए, यही समझना चाहिए, यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं, यदि हम किसी के लिए कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें उस कार्य के लिए एक माध्यम बनाया है, जो कबीरदास जी ने तुलसीदास जी को और तुलसीदास जी ने कबीरदास जी को दोनों के माध्यम से बताया और हम आपको समझाने के लिए। तो इस बात को समझें कि यदि हम किसी की मदद करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, तो ये सोचिए कि सिर्फ एक आप माध्यम है, ना कि कर्तव्य।